कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, जैसे सच बोलने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, या सच बोलने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, इसे करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, या इसे करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, जुर्माना देने के सिवा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, या जुर्माना देने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कोई दूसरा रास्ता नहीं है या कोई चारा नहीं है। तो क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे हैव या हैज, उसके बाद आप लिखेंगे नो ऑप्शन बट टू, फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। इसे करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नो ऑप्शन बट टू डू दिस, यानी इसे करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सच बोलने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नो ऑप्शन बट टू स्पीक ट्रूथ, यानी सच बोलने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। झूठ बोलने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या झूठ बोलने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव नो ऑप्शन बट टू टेल अ लाई, यानी झूठ बोलने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। पैसा बचाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज नो ऑप्शन बट टू सेव मनी। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने ही के साथ बोला हैज, क्योंकि पार्ट 4 में मैंने आपको अच्छा से सिखाया कि हैव और हैज का क्या इस्तेमाल है, कब बोलेंगे हैव और कब बोलेंगे हैज। झूठ बोलने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज नो ऑप्शन बट टू टेल अ लाई। बाय द वे फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप पास्ट में बोलना चाहें तो आप हैव हैज की जगह पर हैड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, जैसे यहाँ आने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैड नो ऑप्शन बट टू कम हियर, एक वीडियो शूट करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, आई हैड नो ऑप्शन बट टू शूट अ वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट में बोलना चाहें तो आप कहेंगे हैड। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप सोच रहे हो कि इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद बोलेंगे विल हैव, जैसे गलती मानने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल हैव नो ऑप्शन बट टू कॉन्फेस, यानी गलती मानने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। माफी मांगने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल हैव नो ऑप्शन बट टू अपोलोजाइज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।